सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिले। का स्वागत है चित्रा किचन में। आज हम बनाने वाले हैं छोले का चाट, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है इसका मेन इंग्रेडिएंट छोले ले लिया है। कम से कम मैंने एक बड़े कप मैंने छोले लिया है, इसको उबाल लिया है कुकर में। ज्यादा नहीं उबालना है आपको, कम सीटी में आप इसको उतार दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आलू है, जिसमें मैंने कम से कम 3 आलू लिया है, इसको उबाल लिया है मैंने। उसके बाद उसको थोड़ा मीडियम साइज में काट लिया है। उसके बाद देखिए मैंने हरी मिर्च लिया है, कम से कम 2 मैंने हरी मिर्च उसको बारीक काट लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 टमाटर मैंने लिया है, उसको बारीक मैंने काट लिया है। उसके बाद मैंने 1 प्याज लिया है, देख सकते हैं आप, प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने देखिए 1/2 इंच मैंने अदरक लिया है, उसको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं हरी चटनी है, इसको हमने क्या किया है, मिर्ची लिया है, धनिया लिया है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ा सा पानी लेके हमने मिक्सी में उसको पीस लिया है। इसके बाद मैंने 1 कप कम से कम दही लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये नमक ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने ये देखिए लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर है, ये हमारा जीरा पाउडर है और इसके बाद ये हमने लिया चाट मसाला। उसके बाद 1 छोटी चम्मच मैंने तेल ले लिया है। करेंगे पैन लेंगे, इसमें मैंने इसे आपको पता है 1 छोटे चम्मच मैंने तेल लिया है, तेल डालेंगे और जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं बताती जाऊंगी आपको क्या क्या डालना है। बनाया था प्याज टमाटर और मिर्ची को जो हमने भूंजा था उसको हम साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, इसमें छोले डालेंगे। देखिए पूरा मैंने जो लिया था देखिए पूरा डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें उबला हुआ आलू जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसको डालेंगे। अब हम इसमें जो पैन में मैंने जो सब तेल में तला था उसको मैं अब डालूंगी, डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको तीखा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं आप, मैंने लगभग 2 पिंच ही लिया है। उसके बाद हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, लगभग मैंने इसको भी 2 पिंच लिया। अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, इसको भी लगभग हम 2 पिंच ही डालेंगे। और उसके बाद हम काली मिर्च डालेंगे, इसको हम 1 ही पिंच डालेंगे, ऑलरेडी हमारा लाल मिर्च पाउडर डल चुका है। इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक एकदम ज़्यादा ना डालिए, थोड़ा कम ही डालिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दही डालेंगे हम। इसके बाद हम अब दही डालेंगे, फेटा हुआ दही, देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है इसको, लगभग मैंने 3 चम्मच से 4 चम्मच। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो बचा हुआ टमाटर है, एकदम पूरा मत डालिए, लास्ट में थोड़ा सा और बचा के रख दीजिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी चटनी। अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसको दूसरे जो हमने लिया बाउल उसमें डालेंगे इसको। करेंगे लास्ट में थोड़ा सा इसको और सर्व कर देंगे, इसे लगा डाल देंगे। इसमें देखिए प्याज मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा टमाटर, उसके बाद थोड़ा सा हरी चटनी, उसके बाद हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरे पास सेव है, सेव को भी डालेंगे।
फिर देखिए इस तरीके से पूरा डाल दीजिए। बारीक मैंने सेव यूज किया है। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ती से हम डाल, अब देख सकते हैं फाइनली हमारा ये चना चाट जो है तैयार हो चुका है। ओके, एंजॉय इट, बाय बाय।